हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम अपने इंग्लिश के टॉपिक को फिर कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे उसके आगे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था नाउन और नंबर वगैरह क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम भी कहा जाता है। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिनको संज्ञा की जगह पे यूज करते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे मैं कहूं राम, तो राम एक संज्ञा है, पर मैं कहूं ही, तो ही एक प्रोनाउन है। इसी तरीके से शी, फिर क्या आता है इट, मी, माई, यू, योर। इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं वो सभी प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन के बाद इसके कई सारे काइंड होते हैं। इसमें बहुत से शब्द होते हैं, जैसे आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है, उसके बाद आपका देम होता है, फिर अस होता है, योर होता है और अवर होता है। जिन शब्दों में नाम का इस्तेमाल नहीं होता है या किसी घटना की जगह पे इस तरीके के शब्दों का यूज होता है उनको प्रोनाउन कहा जाता है। अब क्योंकि हम प्रोनाउन केवल बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन कई टाइप के होते हैं, हम उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन होते हैं पर्सनल। क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं वही शब्द आई, मी, यू, इसके बाद आता है आपका ही, हिम, शी, हर, अस, योर, और इसके साथ में आते हैं इट, हिज, हिम, दे और देम। तो ये सभी जो प्रोनाउन के वर्ड आते हैं वो वर्ड आते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। इसके बाद आपका आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं माइन, यहां पे ये योर नहीं आएगा, माइन, अवर्स, योर, इट्स या हिज, हर्स, हिम या फिर देयर्स। तो ये सभी शब्द आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। इसके बाद जो तीसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा प्रोनाउन होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसा कि यहां नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूशन या बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पीच, उसके बाद होता है आपका आइदर, इसके साथ होता है नाइदर, ईच, आइदर और नाइदर। तीसरा, चौथा जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें किस तरीके के शब्द होते हैं? तो इसमें ऐसे शब्द होते हैं जो किसी ना किसी चीज का संकेत दे रहे हो या हम लोगों को ये बता रहे हो कि किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। जैसे दिस, बोलते हैं ना, दिस पेन, दैट बुक, दीज, दोज, सच, द सेम। इस तरीके के सारे प्रोनाउन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। पांचवा जो प्रोनाउन होता है वो होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब ये क्या होता है? तो इसमें होता है ईच अदर या फिर वन अनदर, ईच अदर या वन अनदर। इसके बाद आता है आपका छठवां प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो निजवाचक भी बोलते हैं इसको। इसमें जो ये माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ और इसके साथ में हिम सेल्फ, देम सेल्फ,
उसके बाद आता है वन सेल्फ, इट सेल्फ। इस तरीके के सभी शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब जो अगला प्रोनाउन है उनको एम्फेटिक या एम्फेसिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, जिसमें सब्जेक्ट को एम्फेसिस करने के लिए किया जाता है या जोर देने के लिए किया जाता है, जैसे माई सेल्फ या फिर अवर सेल्फ। इसके बाद आपका आता है इट सेल्फ, जिससे किसी के ऊपर किसी बात का जोर दिया जा रहा हो। इसके बाद क्या हो सकता है, क्या होता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लें, ही हिम सेल्फ कम हियर, कि वो अपने मन से यहां पर आया। तो ये होता है आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। हालांकि देखा जाए तो 15 वर्ग 3 में इतना नहीं पूछा जाता है, उसमें सिर्फ आप लोगों से बात की जाती है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो आई से शुरू होने वाले शब्द आई, वी, यू, दे, अस, योर्स, अवर्स, इन शब्दों को आप पहचान लेंगे गा, तो वही होते हैं 15 वर्ग 3 के हिसाब के। इसके बाद जो आपका प्रोनाउन आता है 8 नंबर का, वो आता है इनडेफिनिट। 8th प्रोनाउन है इनडेफिनिट। अब ये इनडेफिनिट क्या होता है, जैसे एवरीबॉडी, अब हमें नहीं पता कौन लोग, पर सभी, या फिर समबडी, कोई। इसके अलावा होता है नोबडी, कोई नहीं। फिर आता है आपका एनीबडी, एवरीवन, एनीबडी या एवरीवन। इसके बाद आता है समवन या नो वन, समवन या नो वन। फिर आता है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, क्या, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। इसके साथ में होता है एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, सब कुछ, क्या, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही, पर आप लोग शब्दों को जरूर ध्यान दें, अनदर, क्योंकि एक वीडियो में टाइम बहुत कम होता है, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, फ्यू, लिटिल। इस तरीके के सभी शब्द आते हैं आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंतर्गत। इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, 9th। हो सकता है इसके पहले आप लोगों ने प्रोनाउन के इतने नाम ना सुने हों, पहली बार ही सुन रहे हों, तो इसी वजह से इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं हु, हुम, हुज, विच और दैट। ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका 10वां प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके शब्द आप लोग को पता ही होंगे, जो डब्ल्यू एच वाले शब्द होते हैं वो सभी इसमें आते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या क्या होते हैं वो, तो वो होते हैं हु, जैसे इसमें भी है हुम, हुज, विच, ये सभी शब्द इसमें आ गए हैं। पर इसके अलावा वाट भी होता है, वेयर भी होता है, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद जो अंतिम प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी, क्या, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक, वाट। ये जब इस तरीके से वाट का प्रयोग किया जाए, किसी ने हमसे पूछा कि क्या तुम कल भी यहां आए थे, और क्योंकि हम नहीं आए होते, बोलते ना व्हाट, नहीं मैं तो नहीं आया, इसके साथ में ये निशान लगा दिया जाता है। या हु, मैं कहूं हु इज राम, हु इज राम, अब क्योंकि आपको नहीं पता तो आप बोलोगे हु कौन राम, मुझे नहीं मालूम, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें एकदम अचानक से शॉक सा लगे किसी बात को सुनकर, उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी का साइन ये होता है, खड़ी डंडी उसके नीचे ये,
जैसे कई बार हम बोलते हैं वाओ, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हमको आश्चर्य हो रहा हो या किसी चीज से विस्मय हो रहा हो, उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन ये करना है कि संविदा वर्ग 3 में सिर्फ छोटा सा प्रोनाउन पूछा जाता है। तो पहला तो ये कि जिन शब्दों को नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, क्या नाउन के प्लेस पे उनको प्रोनाउन कहते हैं, और जनरली यूज जो होते हैं वो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आवर, योर, आर सेल्फ, और इसमें वो सभी आ जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि इतने जटिल मैंने एग्जाम्पल बताए हैं आपको यहाँ पे, और नाउन के टाइप्स बताए हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इसी कारण इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। राइटिंग के अलावा, राइटिंग का तो मुझे मालूम है कि राइटिंग सही नहीं आई है, उसके अलावा और कोई कमी आई हो या आपको कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ किसी चीज़ का अलग से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो, हम लोगों को ज़रूर बताएं और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। हाय दोस्तों, आप तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।